जी सर, दीप बिकवाली का निकाय फिर से अदानी एंटरप्राइजेस में ही है। 2085 के आसपास इस वक्त स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आप बेच सकते हैं। 2125 के आसपास आए तो और बेचिए ऊपर में। आज का हाई 2130 का है, पता नहीं सुबह सुबह कहां से 2240 का हाई बना था, तो वो तो भगवान जाने कैश मार्केट में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऊपर में आपके लिए और बेचने का मौका है, अभी भी बेचिए, ऊपर आए तो थोड़ा और बेचिए। नीचे के जो टारगेट बनेंगे दीप, वो बनेगा, पहला टारगेट होगा 2055 का, और उसके बाद के जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 2010 का, और उसके बाद 1980 के आसपास तक के टारगेट के लिए ये खुलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा तरीका यह है कि आप चाहें तो पुट खरीद सकते हैं, 2060 रुपए वाला पुट खरीद सकते हैं, 80 से 85 रुपए की रेंज में आपको ये पुट मिल जाएगा। यहां पर स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए करीबन करीबन 60 रुपए के आसपास का। टारगेट जो बनेंगे 110, 130 और 160, तीन टारगेट के लिए। पहले आप लेवल नोट कर लीजिए, फिर मैं रीजन बताता हूं बेचने की राय क्यों है। तो 2085-2090 के आसपास बेचिए, 2125 के आसपास आए तो थोड़ा और बेचिए, और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 2170 के आसपास का लगाना है, ये ऊपर का स्टॉप लॉस होगा आपका। ये फ्यूचर्स के लेवल नोट कर लीजिए, सारे लेवल्स फ्यूचर के दे रहा हूं। 2055, 2010 और 1980 तीन टारगेट हो गए, ये तो हो गए फ्यूचर्स की, जो आप नोट कर लीजिए। अब आइए पुट, 2060 का पुट खरीद सकते हैं आप 80-85 रुपए में, स्टॉप लॉस 60 का रखिए, 110, 130, 160, क्योंकि डाउ फ्यूचर 250 पॉइंट ऊपर है, तो हो सकता है थोड़ा सा रिकवरी आए। बिल्कुल आराम से ऊपर में बेचे, हड़बड़ी मत करिए, ताकि आपको डायरेक्शन क्लियर है। या बेचे तो या तो पुट ले लीजिए, या आप ऊपर में बेचने की जगह रखिए। देखिए जो आज ऑस्ट्रेलिया में आपको दिख रहा है, सारे माइनिंग स्टॉक 7-8 से 15-16% नीचे, खतरनाक वहां पे गिरावट हो रही। और यहां पर मतलब जो 30% इनका प्रोडक्शन है कारमाइकल से, वहां से आता है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो सबके वैल्यूएशंस जिस तरह से खराब हो रहे हैं, वो उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो मतलब माहौल ग्लोबली जो खराब हो रहा है उसका असर है ही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया परफेक्ट शॉट हो सकता है आपके लिए यहाँ पर। और लगातार दो बार तो इन्होंने हमारे टारगेट हासिल करके दिए, लेट्स सी वेदर वी आर लकी थर्ड टाइम, तो बेचने की राय बस सिंपल ये। अदानी एंटरप्राइज एक बार राय ली जाए, जरा सुमित जी से भी। सुमित जी चार्ट देखिए, स्टॉक के अंदर गिरावट है, कल भी गिरावट थी और आज भी ऊपरी लेवल से वापस से दबाव आया है, कल का लो ब्रेक हो चुका है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर 2060 और 85 इमीडिएट लेवल है, ये लेवल टूटेंगे तो उसके बाद गिरावट और बढ़ेगी। तो जिन्होंने भी सेल का व्यू लेके काम किया वो लोग पोजीशन अभी होल्ड करें, 2060-2050 ये इमीडिएट टारगेट, और उसके बाद 2000 रुपए तक के लेवल अदानी के अंदर, अदानी एंटरप्राइज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस पर। आई थिंक हैट्रिक हो गई है, 3 दिन बैक टू बैक सेल कॉल्स हुए हैं, 2 दिन तो हमने देखा टारगेट भी उसी दिन आ गए थे, अब आपके लिए फिर से कमजोरी बन रही है अदानी एंटरप्राइजेस पर।